नमस्कार, मैं भाग्यश्री ढोंगे अमरावती मंडल की मंडल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। एक नजर महाराष्ट्र की टॉप 10 खबरों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए रेल बजट में महाराष्ट्र को 15,554 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट पेश होने के बाद यह जानकारी दी। अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि पिछले साल महाराष्ट्र में रेलवे के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे और इस बार के बजट से महाराष्ट्र में रेलवे के लिए भारी फंडिंग की तस्वीर सामने आई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अंतरिम बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट देश के साथ साथ महाराष्ट्र के विकास को भी बढ़ावा देगा। अजित पवार ने कहा कि यह बजट देशवासियों और महाराष्ट्र की जनता का दिल जीतने वाला है और विकसित भारत की नींव रखने वाला है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट से किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग के कर्मचारियों के कल्याण की रक्षा की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया सामने आई है। फडणवीस ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है और पूर्ण बजट में विकसित भारत का रोड मैप पेश किया जाएगा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अंतरिम बजट पेश होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश किया है। रायगढ़ जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि वित्त मंत्री ने बहुत भारी मन से इस आखिरी बजट को पेश किया है। शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार से आज एक बार फिर ईडी की ओर से पूछताछ की गई। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के पोते रोहित पवार से गत बुधवार के करीब 11 घंटे तक पूछताछ की गई थी। रोहित पवार से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की जा रही है। इसी सिलसिले में ईडी ने आज दूसरी बार एनसीपी विधायक रोहित पवार को पूछताछ के लिए बुलाया। इस दौरान नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रवर्तन निदेशालय के सामने दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद अब कई और नेताओं की गिरफ्तारी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि ईडी द्वारा दोबारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद रोहित पवार को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इस बीच आज दिन भर ईडी ऑफिस के बाहर एनसीपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा, जिसके बाद ईडी दफ्तर के बाहर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के बाद अब ओबीसी आरक्षण की मांग उठने लगी है। इस मांग को लेकर कुछ ओबीसी संगठनों ने बारामती में डिप्टी सीएम अजित पवार के घर के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। मराठा समुदाय को आरक्षण मिलने के बाद अब ओबीसी संगठन की आरक्षण की मांग को लेकर आक्रामक हो गए है। ओबीसी समाज के संगठनों द्वारा यह धरना प्रदर्शन सांसदों और विधायकों के घर के सामने दिया जा रहा है। एनसीपी के अजित पवार गुट ने कहा है कि उनकी पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा का समर्थन करती है। इस सिलसिले में पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। रामनाथ कोविंद लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए बनाई गई एक समिति के अध्यक्ष है। इस दौरान एनसीपी नेताओं ने पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को पार्टी की ओर से एक ज्ञापन भी सौंपा। महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य को हिलाकर रख देने वाले मराठा आरक्षण कार्यकर्ता वनिता मनोज जरांगे पाटिल के नए ऐलान ने शिंदे सरकार के लिए नई परेशानी खड़ी कर दी है। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है कि वे मुसलमानों के लिए आरक्षण और धनगर समुदाय के लिए श्रेणी में बदलाव के पक्ष में है। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए जरांगे ने कहा कि फिलहाल मराठा आरक्षण अभी भी एक ज्वलंत मुद्दा है और इसका समाधान होने के बाद वह मुस्लिम और धनगरों पर ध्यान देंगे।
चीनी जासूस होने के कथित आरोप में 8 महीने तक बंधक बना कर रखा गया कबूतर आखिरकार पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया यानी पेटा के हस्तक्षेप के बाद रिहा हो गया है। इस कबूतर को मई 2023 में चेंबूर के पास आरपीएफ पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। उन्हें पक्षी के पंख पर अस्पष्ट अक्षरों में एक संदेश मिला जिसके चीनी भाषा में होने का संदेह था। पक्षी के पैरों में तांबे और एल्यूमिनियम के दो छल्ले लगे हुए थे जिस पर चीनी शैली में संदेह लिखा हुआ था। ऐसे ही महाराष्ट्र की टॉप 10 खबरों को जानने के लिए देखते रहिए अमरावती मंडल की मंडल न्यूज़। नमस्कार।